गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिड टर्म फर्स्ट के सिलेबस के बारे में फिर से बताने जा रही हूँ। आपका कौन सा है सिलेबस? मिड टर्म फर्स्ट का पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। पाठ्यक्रम क्या होता है? सिलेबस। इसमें क्या क्या दे रखा है? पार्ट वन टू थ्री फाइव, ये आपका क्या है? सारा सिलेबस है मिड टर्म फर्स्ट का। ठीक है, मिड टर्म फर्स्ट का सिलेबस है पार्ट वन टू थ्री और फाइव, थ्री और फाइव। ठीक है, आप देखो फर्स्ट में ये जो सिलेबस है, जो जो पेपर हैं आपके 20-20 नंबर के दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 20-20 नंबर के दो पेपर होंगे। ठीक है, और इसमें दो राउंड में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, दो राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में जो आपके पार्ट आएंगे वो कौन कौन से हैं? देखो फर्स्ट राउंड में पार्ट वन और टू, पार्ट वन और टू ही आएंगे। फर्स्ट राउंड में पार्ट वन और टू आएंगे। और पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है पार्ट फर्स्ट खेलते पाठ का शीर्षक
लगा। अब उसने पूछा है कि क्यों लगा, शीर्षक सार्थक लगा है और क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि खिलते खिलते और खेलते खिलते और खेलते फूल किसको कहा है, खिलती और खेलती है फूल किसको कहा गया है, बच्चों को, किसको कहा गया है, बच्चों को, खेलते फूल बच्चों को कहा गया है। ये क्यों का आंसर है, खेलते और खेलते फूल बच्चों को कहा गया है, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है आपका, खेलते और खेलते फूल, खेलते और खेलते फूल का फूल पाठ का पाठ का शीर्षक आपका सार्थक लगा, स्कूल लगाइए, प्रश्न भी बन रहा है। और अगर आपसे इतना पूछे कि आप क्या एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि खिलते और खेलते फूल पाठ का शीर्षक आपको सार्थक लगा, तो अगर आपसे पूछा हाँ या ना, तो आपने एक वर्ड में ही आंसर देना है, हाँ लगा है तो हाँ, नहीं लगा तो ना। ठीक है, और क्यों क्यों पूछे तो बोल रहे बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, इसलिए हमें ये पाठ सार्थक लगा। इसी प्रकार ही आपसे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रश्नों में से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, सोने की सुराही पाठ में कालिदास किसका कमांड बुक करना चाहते थे, किसका करना चाहते थे उसका आंसर बताना है। ठीक है, शब्द अर्थ पूछे जाएंगे, इन्हीं दोनों लेसनों के अंदर से ही शब्द अर्थ पूछे जाएंगे। जैसे ये देखो, एक शब्द अर्थ मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, जैसे आँख चुराना, आँख चुराना, आँख चुराना का शब्दार्थ क्या होता है, आँख चुराना का शब्दार्थ क्या होता है, यानी कि आँख चुराना शब्द का अर्थ क्या होता है। आँख चुराना वैसे तो ये मुहावरा भी है, आँख चुराना मुहावरा बनता है और इसका अर्थ भी बन रहा है, आँख चुराना बचकर निकलना, बचकर निकलना, ये इसका अर्थ पूछ लिया। तो आपने अगर अर्थ पूछा दिया पाओगे, बचकर निकलना, आँख चुराना बचकर निकलना। दूसरा, जैसे कि ये आस, आस शब्द का क्या अर्थ होता है, आस शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने पूछा है आपसे आस का अर्थ, आपके तीन विकल्प आए हैं, कौन कौन से, उम्मीद, प्रतीक्षा, उम्मीद, प्रतीक्षा, आना, इन तीनों में से आपको जो राइट आंसर लगता है, उम्मीद, प्रतीक्षा, आना, जो आपको सही लगता है उसको आप टिक कर दीजिए, यानी कि आस का अर्थ उम्मीद, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। आपने पेपर में ऐसे ही फिल करना है, सिर्फ दो ही पार्ट करने हैं, सोने की सुराही और खिलते और खेलते फूल। ठीक है, ये तो मैंने शब्द अर्थ के बारे में बता दिया, क्वेश्चन आंसरों के बारे में बता दिया, कि क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लेना दोनों पार्ट के अच्छी तरह, ये पेपर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें सब्जेक्टिव आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ओनली ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। 20 नंबर का ही पेपर होगा, फर्स्ट टेस्ट भी 20 का है, सेकेंड टेस्ट भी 20 का है, टोटल कितने हुए 40। और आपका पहले मिड टर्म टेस्ट किसने का होता था, 80 का, और अब इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, 20-20 नंबर के दो टेस्ट हो गए आपके, 40 नंबर के, 40 का आपसे फिर लिया जाएगा टेस्ट। ठीक है, अब देखो, आंख चुराना
और ऐसे ही जैसे कविता है, कविता में से अधूरी पंक्तियों को पूरा करो, अधूरी पंक्तियों को पूरा करो, कविता को अच्छी तरह पढ़ लेना, दो तीन बार कविता पढ़नी है, कविता में से ही आपसे शब्द पूछे जाएंगे, कविता में से ही आपसे एक शब्द पूछे जाएंगे। चलो एक बार मैं आपको हिंट देती हूँ कविता का कि कैसे कैसे पूछे जाएंगे। देखो बोलो बोलो, कविता के बारे में बता रही हूँ मैं, बोलो मीठे बोलो, मीठे बोल आम से, बोलो मीठे बोल आम से, आम से आग चुरा मार, इन्हें शब्द मैंने नहीं लिखा, आग नहीं, आग नहीं चुराना, आग से। अब मैंने ये दो वर्ड लिखे नहीं है, ठीक है, ये कब तक लाइन पूरी लिख दी, ये मैंने लिखे नहीं है चुराना काम से, तो इसको आप फिल करोगे, इसको आप फिल करोगे आंसर में कैसे, इसका आंसर क्या होता है, आग आएगा। अच्छी तरह तैयारी करना, सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। धन्यवाद।